नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु मार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद पानीचरण। साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 का प्रस्ताव पर चर्चा। साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है और डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश सरकार द्वारा संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी किया गया था कि सरकार समस्त राज्य के समस्त कर्मचारियों की एक समान सेवानिवृत्ति की आयु करेगा। साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश के जो प्रांत अध्यक्ष है राज्य कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर के 65 वर्ष का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसा कि इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि दो विभाग हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। इसमें 65 वर्ष रिटायरमेंट की एज है और अन्य विभागों में अगर देखा जाए तो 62 वर्ष रिटायरमेंट की एज है, तो इसे एक समान किया जाना है, इसी का प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। और रमेश चंद्र शर्मा द्वारा जितने भी जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वह उन पर अमलीय जामा भी पहनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षा विभाग तथा समस्त विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले की सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो जाएगी, यानी 3 वर्ष और इजाफा होगा सभी कर्मचारियों की सेवाओं में। तो इस प्रकार से साथियों, आपकी क्या राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे और इसी प्रकार की कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कब होगी, इससे और भी अपडेटेड जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।